गुड मॉर्निंग। आज क्लास नाइन्थ में आज की हमारी टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसा कि इसके पहले मैं आपको प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव से पैसिव बनता है पढ़ा चुका हूँ, पास्ट टेंस का भी पढ़ा चुका हूँ, फ्यूचर के डिफिक का मैं अगले वीडियो में बताया था। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में सिर्फ दो ही टेंस का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, क्योंकि जो दो होते हैं अदर दो होते हैं इसमें, उसमें ऑब्जेक्ट न होने के कारण एक्टिव से पैसिव हम नहीं बना सकते हैं। तो फ्यूचर इंडिफिनिट का एक बना सकते हैं और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट का बना सकते हैं, ये दोनों का बनता है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी पैसिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके लिए रूल देखेंगे। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में आके सब्जेक्ट बनता है। इसमें सहायक क्रिया विल या सह लगाएंगे। इस कर्ता के साथ अगर आई भी है तो सह लगाएंगे और बगैर शब्द के साथ विल लगाएंगे। और यहाँ पे हैव विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव प्लस विल प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाय लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी हम सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हमारा कोई एक्टिव वॉइस है सी विल हैव रेड डॉग, ऐसा है खुश। तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? देखिए ऐसे बनाया जाएगा। इसमें हम सबसे पहले खोजेंगे ऑब्जेक्ट कौन है। देखिए ऑब्जेक्ट का रूप है जो पैसिव में आके सब्जेक्ट बनेगा। अब इसके यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा उसी के अनुसार सहायक क्रिया लगेगा। यानी कि अगर आई हुई यहाँ पे है तो सहायक क्रिया लगेगा, अगर इन सब दोनों को छोड़ के बाकी कुछ भी हो तो विल विल है। यहाँ पे द बुक को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेते हैं, द बुक हो गया। अब इसके अनुसार सहायक क्रिया विल लगेगा, विल हैव बीन, ऐसा कर देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाई लगा देंगे और सी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर होगा, हर लगा देंगे। ये पॉजिटिव के रूल था। अगर कोई हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तब क्या करेंगे? उसके लिए रूल देखिए, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे, सब कुछ वही रहेगा, बस नॉट बढ़ जाएगा। यहाँ पे विल या शैल के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट पुरुषार्थ। देखिए जैसे कोई भी सेंटेंस एक बार लेते हैं, जैसे ही विल हैव रिटेन ए लेटर, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो आप कैसे इसका पैसिव बनाएंगे? देखेंगे ऐसे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाइए, इसके अनुसार सहायक क्रिया लगाइए, फिर हैव बीन लगाइए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, बाय लगाइए और फिर यहाँ पे जो करता है उसको वहां पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यही हम करेंगे। देखिए हो जाएगा ए लेटर विल हैव, यहाँ पे बीन भी लगाना जरूरी है पैसिव वॉइस में। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, यहाँ पे बाय लिखेंगे, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ही है, इसका ऑब्जेक्ट केस क्या आ जाएगा? ही हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह था, बस एक अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं।
इंट्रोगेटिव के लिए रूल क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक एस नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा डबल एच ओ क्वेश्चन। अगर हमारा सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत एस नो से हो रहा है तो पैसिव वॉइस में हम पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। देखिए रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, अगर डब्ल्यू एच ओ से शुरू हो रहा है तो हम डब्ल्यू एच ओ भी लगाएंगे, इसी के साथ निगेटिव भी लगाते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों बात एक ही होता है। देखिए अगर हमारा सेंटेंस डब्ल्यू एच ओ से शुरू हो रहा है, सबसे पहले हम डब्ल्यू एच ओ क्वेश्चन लगाएंगे, फिर इसके बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे विद या सैड, अगर फिर उसके बाद हम तुरंत जस्ट वो लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर अगर निगेटिव है तो यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हैड प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का कट का लगा देंगे, बाई लगा देंगे, या तो लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल को आपको हम समझाते हैं, देखिए जैसे ऐसा है, व्हाई विल यू नॉट हैव रीड द बुक, अगर ऐसा सेंटेंस है लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो आप पहचानेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे विल ऐसा लगा हुआ है और यहाँ पे कर्ता के बाद हैव लगा है तो आप जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो देखिए डबल एच जो आया उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि व्हाई हो गया। अब देखिए इनकी इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार हम सहायता लगाएंगे, द बुक है ना, तो इसके अनुसार हम विल का प्रयोग करेंगे, विल द बुक, अगर निगेटिव है तो ना के लिए लगाएंगे, और हैव बीन का प्रयोग कर देंगे, वर्ब का देखिए थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई लगा देंगे, और यहाँ पे देखिए करता यू है तो इसका आप देखेंगे यू कर देंगे लास्ट में क्वेश्चन। इस तरह मैंने आज आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना बताया, इस तरह से पैसिव जो टेंस वाला है आज खत्म हुआ, कल हम अदर वाला जो है वो उसको बताएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।